अच्छा लग रहा है लोगों को, उनको तो बहुत टाइम से हमें देखना था एक साथ ऐसे किसी OTT प्लेटफॉर्म या कोई शो या फिल्म। तो जो हमारी ऑनलाइन फैमिली है वो बहुत ही एक्साइटेड है, आई गेस सब देखने वाले हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। दोनों से जानना चाहेंगे क्या कुछ स्टोरी लाइन है और क्या किरदार आपने निभाने हैं इस वेब सीरीज बताओ। मेरा तो कैरेक्टर है सुशा, बहुत ही चुलबुला है। मैं सर रियल लाइफ में इतना चुलबुला नहीं हूँ, जब कैमरा चालू होता है तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं शांत बैठा रहता हूँ। तुमने मैंने नोटिस तो किया है, मैं शांत रहता हूँ इतना किसी। लेकिन ये कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल अपोजिट है, मस्तियाँ करता है, इसके बहुत सारे शेड्स हैं, ये रोता है, हंसाता है, इतना कन्फ्यूजन फैला दिया है एक बंदे ने आके सबकी ज़िंदगी में, तो ये कन्फ्यूजन देख के आप लोगों को इतना मज़ा आएगा, बहुत हंसने वाले हो आप लोग। मेरा मेरा कैरेक्टर तो काफ़ी सिमिलर है मेरे से, दिल्ली की लड़की है और अच्छी सी है, स्वीट सी, हर चीज़ में फर्स्ट आती रही है हमेशा, सिंसेयर है पढ़ाई में, हर एक काम जो करती है उसमें सिंसेयर है, प्यार करने लगती है तो सिंसेयरली वो भी करती है। और बेसिकली जो स्टोरी है इट इज़ अराउंड कि इसके फादर कौन है, और मैं बीइंग अ नाइस गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो हु, गलत बोल दिया मैंने, हम गर्लफ्रेंड है क्या इसमें? नहीं, नाइस फ्रेंड, सॉरी, फ्रेंड है क्या? क्या है पता ही नहीं ना, अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम। हम ह्यूमन बीइंग के साथ होता है क्या कभी? क्या ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होता है कभी? तो मेरे साथ हो गया है। तो ट्राइंग टू हेल्प हिम फाइंड हु इज हिज डैडी, क्योंकि उससे इसके डैडी कौन है उससे ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, और मेरी लाइफ आगे कैसे होने वाली है, हमारी लाइफ या मेरी, उस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज द मेन क्वेस्ट ऑफ द होल स्टोरी लाइन। ओके, जब ऑफर आया था आपको तो वाज इट अ सडन डिसीजन और यू टुक टाइम, यू थॉट अबाउट इट एंड देन अपने आप को कर दिया? मैं मेरे को 2-3 शोज के आए थे, उनमें से सबसे अच्छा मुझे लगा तो मैंने ले लिया। हाँ, मुझे भी सेम टाइम पे ऑल्ट बालाजी के 2 शोज का आया था, और उसके लिए जो दूसरा शो था उसके लिए हो चुका था, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी हो चुका था सब, बट देन एंड मोमेंट पे ये हुआ, और जब इन लोगों को पता चला कि भावेन कास्ट हुआ है तो इसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, तो दे वर लाइक कि नहीं, अगर भावेन है तो हम दोनों का काफ़ी अच्छा रहेगा साथ में, एंड ऑफ कोर्स आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर हम दोनों साथ में आ रहे हैं तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। स्पेशली यही था कि इवन दो वो शो जो है थोड़ा बड़ा शो था, मे बी मतलब एपिसोड्स बड़े थे, ज़्यादा एपिसोड का था वो, बट स्टिल आई चूज दिस वन बिकॉज मैं अपने फैंस को वो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हम साथ में काम करें, साथ में काम करें, साथ में काम करें, तो उनके लिए ये था कि नो, आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस वन, तो इसलिए ये किया। ओके, कौन पहले कास्ट हुआ था और किसको बाद में पता चला कि अरे भावन है, अरे समीक्षा भी है? आई थिंक इसको पता चला था, मैं तो हो गया था, उन्होंने बोला कि हमने यार समीक्षा से भी बात कर रहे हैं, मैंने कहा बात कर रहे हो, रुको कॉल करता हूँ, वो भी करेगी वो शो। हाँ, तो वही जैसे वही, कि मैंने बताया मेरा दूसरा शो का हो गया था और मुझे नहीं पता था कि ये शो के लिए भावेन हुआ है, और दूसरे शो का मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी थी, ओल्ड बालाजी का ही शो। खैर, ओल्ड वाले आपस में समझदार है, वो आपस में समझ जाते हैं कि अच्छा कहाँ कौन बेटर लगेगा, तो उन्होंने यहाँ बेटर लगी है तो यहाँ भेज दिया सर। हाँ, और मेरा भी डिसीजन था वो, मेरे ऊपर भी छोड़ा था उन्होंने कि क्या करना है, आई ऑल्सो सेड दैट या आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन। हाउ इज योर कोलैबोरेशन विद ऑल बालाजी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा तो सेकेंड टाइम है, लास्ट ईयर इसी वक्त में दिसंबर में मेरा एक शो आया था हम तुम एंड देम, और मुझे तो बहुत मज़ा आया था, क्या वाटर कैरेक्टर आर्यन जो आप लोगों ने मुझे ऑल्ट ने मुझे प्ले करने दिया, बहुत ही मुश्किल जॉब थी वो मेरे लिए, और उसका रिस्पॉन्स आज भी मुझे लोगों रास्ते में मिलते बोलते रहे आर्यन मज़ा आ गया आपका काम देख के, और वापस जब ये हुजो डैडी, आई बिलीव कि अब जब लोग मिलेंगे तो सुशा के बारे में तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये भी मेरे लिए इतना इजी नहीं था सुशा बनना, तो या आई होप कि ऑल्ट हमेशा मुझे ऐसे डिफिकल्ट किरदार देता रहे। मेरा पहला वेब सीरीज है एंड मैं थोड़े से डेडिकेटेड होके काम करने में बिलीव करती हूँ, इफ़ यू सी आई हैव सेव्ड हिज नेम सुशा एंड नॉट भावे, तो ये उन एक्टरों में से
जिसको अगर बेवड़े का रोल है दारू पी लेगी, अगर गोली लगने का रोल है तो कहेगी सच में गोली मार दो। मेरे दारू के सीन्स हैं एक्चुअली, तो बता कितनी बार मैंने दारू पी है बता। नहीं नहीं बिना दारू हैप्पी फिस्ट पी के शॉर्ट डे। तो हाँ मतलब वैसा नहीं है, बट जो भी हम कर सकते हैं, जो जो भी पॉसिबल है। मैंने पहले ही दिन इसका नाम सुषा सेव कर लिया था, और वही मैं भाविन नहीं बोलती थी, इसको सुषा ही बोलती थी। तो मेरा तो पहला वेब सीरीज है, ऑल्ट बालाजी के साथ मेरा पहला काम है। तो थोड़ा सा मुझे था कि मैं डरी हुई थी कि कैसे होगा, क्या कैरेक्टर होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप काम, तो आपको तो ऐसा लगता है। बट आई एम जनरली सेइंग कि इतना ज़्यादा मज़ा आया है, प्रोडक्शन टीम सब लोग इतने अच्छे थे, इतना कंफर्टेबल फील कराया है। मैं अमृतसर, मेरे को बहुत ठंड का बहुत को डर है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, तो वहाँ पे भी पूरी टीम ने इतना कंफर्टेबल फील कराया, इतना अच्छे से शूट हुआ। मैं तो शूट के बाद मेरे कमरे में मिलते थे सारे और मज़े करते थे। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रहती थी, उसके बाद चली जाती थी सो जाती थी, क्योंकि 5 बजे उठना होता है ऑफ कोर्स, और आपको अपना चेहरा भी सुंदर दिखाना है। हम तो दरिंदे हैं, हम जानवर, हम पूरी पूरी रात जागते थे, पूरी पूरी रात जागते थे, अगले दिन शूट करते थे, वापस जागते थे, पता नहीं हम क्या ही सोए हैं, पता नहीं मजा। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं जैसे कि आई टोल्ड यू आई एम सिंसियर, तो मैं टाइमली जाती थी, 10 मिनट थोड़ा इन लोगों के साथ बैठती थी, फिर सो जाती थी। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच बालाजी, मुझे इसके लिए कास्ट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये काम करके। किस चीज़ का रिस्क? कोरोना का। हाँ लेकिन था, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, काम प्यारा है और हम बहुत डेडिकेटेड हैं, और हम ना बोलते तो इंडस्ट्री तो आप जानते हो कितनी रिप्लेसेबल है सारे के सारे, कोई और होता तो थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन अगर है ना, फेमस एक डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। मैंने तो, मैं सच बताऊँ, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है, बाबा जी के भरोसे सब, ठीक है वो देख लेंगे। आई डोंट नो, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। अब सब बाहर निकल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको करना ही पड़ेगा, कब तक हम लोग घर पे बैठे रहेंगे। हमारी, हम एज एन एक्टर हमारी ड्यूटी समझते हैं लोगों को एंटरटेन करना, जैसे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, हमारा भी ये काम है हम लोगों को एंटरटेन करें। और अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत लोगों की रोजी रोटी एंटरटेनमेंट उनका कैसे होगा। पीछे से मुझे फ्राइज की खुशबू आ रही है, इस कैमरे के पीछे लोग फ्राइज खा रहे हैं और हमें यहाँ पे बिठा दिया है आप जल्दी खत्म करो। तो बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो आफ्टर ऑल करना ही था ये, तो फाइनली इस वजह से कर रहे हैं। बाकी आई एम होपिंग कि भगवान सब देख लेंगे, सबको सेफ रखेंगे। हमें लेकिन सेट पे ऐसे ऐसे नमूने लोग मिले ना, कुछ लोग कहते मैं कोरोना में विश्वास नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना है, कुछ लोग कहते हैं भी नहीं है, सबके आई बिलीव के है, लेकिन काम करो यार, काम करके मरो, घर पे बैठ के मरो, सच काम करके मरो। हाँ मतलब अगर किसी के काम आ सको तो क्यों नहीं। काफी कॉमेडी देखने मिलने वाली है, और लोग कहते हैं कि कॉमेडी काफी इजी होती है। इजी कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है। चैलेंजिंग, कितना कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा थ्रू आउट शूट? मेरे को सिर्फ एक ही चैलेंज फेस करना पड़ा, ठंड का। उसके अलावा मतलब ठीक है, आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग तो कर ही लेते हो, पर मैं आई एम टेलिंग यू इट वाज सो चिलिंग कि सिर्फ जब टेक हो रहा था तभी मैं ऐसे नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, हाँ अरे सुषा ये जो भी मेरा डायलॉग होगा, बट उसके अलावा कट होते ऐसा हो रहा था। तो एक ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इसको करने का, एंड आई एम सो थैंकफुल कि पूरी टीम ने इतने अच्छे से पूरा मैनेज किया, ख्याल रखा बहुत टीम ने, डायरेक्टर सर ने बहुत ख्याल रखा हमारा, और इसी वजह से ये उपाया, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। मैं सेकंड डे ही मैं बीमार हो गई थी, सेकंड डे पूरा शूट रुक गया था मेरी वजह से, क्योंकि बीमार पड़ गई थी। उसके बाद से बहुत टेक केयर किया कि जिस सीन्स में जो है शॉर्ट कपड़े पहनने हैं वो थोड़ा दिन के टाइम, हमारा बाहर का खाना बंद होने वाला था इनका तो नहीं हुआ, बट मेरा हो गया भाई। मेरा तो हो गया था क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि टीम पूरी फैमिली की तरह थी, और उन्होंने काफी ध्यान दिया क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्यों नहीं खा रही, गर्म खाना खा, क्या कब उठ रही है, कब सो रही है, सो जा, अब ये मतलब काफी ख्याल रखा।
जितना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कहीं ज्यादा तो कोई ध्यान ही नहीं देता था उसके बाद हम तो पार्टी मचा रहे सो रहे नहीं सो रहे कोई पूछता नहीं क्योंकि जो उनको ही बोला जाता है ना जो सुनते ही नहीं उनको क्या बोलेगा इंसान नहीं सर मैं सर उठ जाऊंगा सर मैं और रेडी भी हो जाता है ऐसा नहीं है मतलब इफ ही स्लीप्स इवन एट 3 o'clock ही गेट्स अप हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि इवन इफ ही स्लीप्स एट 3 ही गेट्स अप एट 5 तो ये काफी है वैसा बट रात में तो भी लेट ही सोता है किसी की सुनता नहीं है जो करना है वही करता है बट ही सिंसियर टू हिज वर्क दैट्स गुड ओके लास्ट ही क्या कुछ फैन से कहना चाहेंगे कि क्यों देखना चाहिए क्या यूएसपी है इस शो की यूएसपी हमें अब कुछ नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम दोनों साथ में कभी आए नहीं है no, पहली बार आए स्टोरी बहुत अच्छी है डायरेक्शन बहुत अच्छा है अगर आप ट्रेलर देखो चिराग सर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड ही इज अ लवली ह्यूमन चिराग सर के ही वही कैप्टन है हमारे शिप के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आपको इतना एहसास नहीं मिलेगा रोने मिलेगा कंफ्यूज हो जाओगे और एक 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 मैं कुछ रिवील करूं यहाँ पे चिराग सर ने भी एक्टिंग करी है किसी को पता नहीं है जो अभी तक किसी को पता नहीं है हमने स्टोरी वोरी डाली भी नहीं उस पर चिराग सर हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत ही अच्छा रोल किया है जो हमने बूस्ट किया सर आप करोगे सर आप करोगे सर आप करोगे बिकॉज ही वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट एवरी कैरेक्टर इसको वो हेलो जी पूरा एक्टिंग करके बता रहे थे ऐसे करना वैसे करना मुझे भी पूरा कि ऐसे करो पूरा एक्टिंग करके बता रहे थे सर आप वो बनता है ये कैरेक्टर तो आप ही करो एक कैरेक्टर है तो मतलब डायरेक्टर के साथ काम करा हमने तो एक अलग एक्सपीरियंस था वो भी वो एक्शन बोलते थे वही कट बोलते थे वही एक्टिंग करते थे एक्शन डायलॉग ब्ला 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 डायलॉग व्हाटएवर कट अमेजिंग एक्सपीरियंस देखो आप लोग हमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा झपकी मारने का भी मौका नहीं है बिकॉज कल ही हम लोग लैंड हुए वहां से यहाँ और आज हम क्या है कल मैं दुबई जा रहा हूँ वापस 22 को आ जाऊंगा स्क्रीनिंग पे लेकिन थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू थैंक यू